असल गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग सऊदी अरमको के स्का फोल्डिंग सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरमको में रिटर्न एग्जाम में स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए जानते हैं इस वीडियो में पहला क्वेश्चन विच टाइप ऑफ स्का फोल्डिंग कंस्ट्रक्ट ऑन हॉर्ड सर्फेस इसका फोल्डिंग जो है कौन हॉर्ड सर्फेस पे कौन किस प्रकार के इसका फोल्डिंग को बनाया जाता है कंस्ट्रक्ट किया जाता है लाइट ड्यूटी मीडियम ड्यूटी स्पेशल ड्यूटी और स्पेशल इसका फोल्डिंग तो हॉट सरफेस पे हमेशा स्पेशल इसका फोल्डिंग ही बनाया जाता है वेयर मस्ट बियर ट्राजम एंड बोर्ड बीयरर, इंटरमीडिएट ट्राजम बी इंस्टॉल ऑन ट्यूब एंड कपलर इसका फोल्डिंग ट्यूब एंड कपलर इसका फोल्डिंग में जो बोर्ड बियर या बियर है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है तो ब, आ, ट्यूब एंड कपलर इसका फोल्डिंग में जब प्लेटफॉर्म कर्स करते हैं तो बियर जो या फिर इंटरमीडिएट ट्राजम जो होता है वो हमेशा रनर और बियर रनर के ऊपर में ही इंस्टॉल किया जाता है ऑन द टॉप ऑफ रनर वट टाइप ऑफ कपलर मस्ट बी यूज टू ज्वाइंट ब्रेसिंग ट्यूब किस प्रकार के कपलर का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेसिंग ट्यूब को ज्वाइंट करने के लिए तो ब्रेसिंग ट्यूब को ज्वाइंट करने के लिए एंड टू एंड कपलर या फिर स्लिप कपलर का इस्तेमाल किया जाता है ये जो आपको इमेज में नजर आ रहा है ये हमारा जॉइंट एंड टू एंड कपलर या फिर उसको स्लिप कपलर बोलते हैं ये दो ब्रेसों को जॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वट प्रोसीजर मस्ट बी फॉलो वेन इरेक्टिंग सिस्टम इसका फोल्डिंग कभी भी अगर हम लोग सिस्टम इसका फोल्डिंग बनाते हैं तो कौन सा प्रोसीजर को फॉलो करते हैं मैनुफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन एंड सऊदी अरब को रिक्वायरमेंट एन स्टैंडर्ड एंड सऊदी अरब को रिक्वयरमेंट यूरोपियन स्टैंडर्ड एंड सऊदी अरब को रिक्वायरमेंट कोसा स्टैंडर्ड एंड सऊदी अरब को रिक्वायरमेंट तो कभी भी हम लोग जब कोई भी इसका फोल्डिंग सिस्टम इसका फोल्डिंग हो या फिर कोई भी इसका फोल्डिंग हम लोग कंसल्ट करते हैं तो हमेशा हम लोग जो फॉलो करते हैं वो मैनुफैक्चर इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और जो सऊदी अरबों का रिक्वायरमेंट जी है उसको फॉलो करते हैं मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन इसलिए क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चर बनाता है तो उसका एक अपना स्टैंडर्ड होता है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोगों को इसका फोल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना होता है और वो हमें इंश्योर करना होता है कि जो सऊदी अरब का जी है हमारा जो मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन है वो उसको फॉलो कर रहा है कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो हमारा जो आंसर है मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन एंड सऊदी अरब रिक्वायरमेंट ट्यूब एंड कपलर का जो कंपोनेंट है जिसको अलाउड है उसको इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं तो ट्यूब एंड कपलर का जो हमारे सिस्टम इसका फोल्डिंग में जो ब्रेस है उसको अलाउड है ब्रेस जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं ब्रेस परमिशन है एज पर दी आई What type of scissor bracing? Scissor bracing कौन से हमारा हमेशा ब्रेसिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है कौन सा ऐसा सिस्टम इसका फोल्डिंग है जो सऊदी अरब को में यूज नहीं किया जाता है तो सऊदी सऊदी अरब को में पिन में इसका है है उसको यूज नहीं कर सकते को के किसी भी प्रोजेक्ट पे या फिर किसी भी भी या फिर का फोल्ड कास्टर सभी मोबाइल्स का फोल्डिंग कास्टर में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है तो सभी मोबाइल्स का फोल्डिंग कास्टर में विल लॉक का इस्तेमाल किया जाता है कि विल लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है क्योंकि विल लॉक जो होता है वो मोबाइल्स का फोल्डिंग को मूवमेंट के लिए रोक सकता है उसको फ्री कर सकता है तो वो लॉक ही है जो इस मोबाइल्स का फोल्डिंग को मूव करने से बचा सकता है इसलिए हमेशा विन लॉक जो है हर कास्टर में मोबाइल कास्टर में लगाया जाता है द हाइट ऑफ मोबाइल का फोल्ड मस्ट नॉट मोर देन मोबाइल इसका फोल्डिंग का जो हाइट है वो किससे कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए मोबाइल इसका फोल्डिंग का जो हाइट है वो मिनिमम बेस डायमेंशन के थ्री टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी मोबाइल इसका फोल्डिंग है उसका जो मिनिमम बेस डायमेंशन से थ्री टाइम्स से ज्यादा नहीं बना सकते जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर मोबाइल इसका फोल्डिंग की लेंथ टू पॉइंट फाइव मीटर है और विथ टू मीटर है और तो उसका जो मैक्सिमम जो हाइट है वो उसका मिनिमम बेस डायमेंशन के थ्री टाइम्स यानी हमारा जो इसमें मिनिमम बेस डायमेंशन है वो दो मीटर है तो उसका हम लोग थ्री टाइम्स करके उससे ज्यादा हम लोग मोबाइल का फोल्डिंग नहीं बना सकते यानी सिक्स मीटर तक हम लोग बना सकते हैं ये एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताया लेकिन एज पर द प्रोसीजर जो है जी आई मोबाइल्स का फोल्डिंग का जो मैक्सिमम हाइट है सऊदी अरबगो के हिसाब से ट्वेल्व मीटर तक आप मैक्सिमम बना सकते हैं What of tower, must be no more than. या फिर टावर कितना कितना मैक्सिमम बनाया जा सकता है तो कोई भी फ्रेस्टाइल हो या टावर हो मिनिमम बेस डायमेंशन के फोर टाइम्स से ज्यादा नहीं बना सकते जैसे पहले बोला कि अगर टू पॉइंट और 2 मीटर विथ है तो मिनिमम बेस डायमेंशन हमारा 2 मीटर हो गया और उसका जो मैक्सिमम फोर टाइम्स है बना सकते हैं यानी 2.2 पॉइंट फोर आप कैलकुलेट करेंगे तो एट मीटर रह सकता है तो आप मिनिमम बेस डायमेंशन के फोर टाइम्स से ज्यादा आप कोई भी फ्रस्टाइल या टावर इसका फोल्डिंग बना नहीं सकते The distance between a trapezium tube and runner on underhang scaffolding, uh, जब भी हम लोग अंडर हंग स्का फोल्डिंग बनाते हैं तो उसमें ट्रेपेजियम ट्यूब का रनर से कितना नीचे होता है ट्रेपेजियम ट्यूब एक सपोर्टिंग के लिए हम लोग लगाते हैं जहाँ पे कभी भी हम लोग अंडर हंग इसका फोल्डिंग बनाते हैं तो वहां पे इसका फोल्डर जा करके उस पर खड़ा होकर के काम कर सकता है इसके लिए हम लोग ट्रेपेजियम ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं और ट्रेपेजियम ट्यूब जो रनर से है वो सिक्स हंड्रेड एमएम यानी दो फीट से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए में या कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है तो अंडर में स्का सेफ्टी कपलर होता है या फिर चेक कपलर जो हम लोग बोलते हैं वो ऑल द टॉप ऑफ हैंगर ट्यूब होना चाहिए हैंगर ट्यूब जो होता है उसके ऊपर में होना चाहिए सेफ्टी कपलर या फिर चेक कपलर इसका जो मेन काम होता है सेफ्टी कपलर या चेक कपलर का ये फोल्डिंग में जब भी हम लोग हम लोग अंडर हेंग इसका फोल्डिंग बनाते हैं तो उसको स्लिप होने से बचाने के लिए एक एडिशनल सेफ्टी हम लोग राइट एंगल कपलर के साथ उसमें लगाते हैं उसी को हम लोग सेफ्टी कपलर या फिर चेक कपलर करते हैं ये हमारे जो कपलर होता है जो हम लोग पहले इंस्टॉल किए तो उसको एक एडिशनल सपोर्ट देता है ताकि हमारा जो से हमारा अंडर हेंग फोल्डिंग है वो नीच वो, या फिर स्लिप ना हो अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके थैंक यू